नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए और जबरदस्त वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है सेमी डुप्लेक्स बने 100 वर्ग गज के मकान का डुप्लेक्स का या सेमी डुप्लेक्स का वीडियो होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किया, साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती है, क्योंकि मैं ऐसे ही जबरदस्त प्रॉपर्टी के वीडियोज आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो देखिए, लोकेशन बहुत ही प्यारी है। मैन अगर हाथों से मैं बात करूँ तो बिल्कुल नियर बाई, अगर मैं बात करूँ मैन कालवा रोड से तो मात्र और मात्र 300 मीटर अंदर की तरफ लोकेशन होने वाली है। देखिए, ईस्ट फेसिंग मिला है, सामने की तरफ फ्रंट एलिवेशन एक बार दिखा दीजिए। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन के साथ ये बने हुए हैं। सीढ़ियाँ आपको बाहर से यहाँ पे मिल जाती है। लोकेशन तो बहुत ही प्यारी यहाँ पे होने वाली। प्राइस सबसे अच्छी बात है, प्राइस बहुत शानदार होने वाली। 100 वर्ग गज के मकान की प्राइस मैं शुरू में बता देता हूँ आपको, मात्र और मात्र 30 लाख रुपये यहाँ पे प्राइस होने वाली है। तो एक बार देखते हैं हम कैसे क्या यहाँ पे बने हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, सामने जैसे अपन देखते हैं तो यहाँ पे मेन जो गेट है आयरन का, कुछ इस तरीके से मजबूत गेट आयरन का आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और इस तरफ भी आपको एक स्पेस दिया गया है, अगर आप चाहें यहाँ पे मिनी गार्डन टाइप में लगाना तो आप इजीली यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। आपकी कार जो है सिडान जैसी कार भी आप इजीली यहाँ पे पार्क कर पाएंगे। देखिए पार्किंग का स्पेस, देखिए कितना लंबा पार्किंग का स्पेस आपको मिल जाता है, वहाँ से लेके यहाँ तक पार्किंग का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। साथ में अगर बात करें यहाँ पे पोर्च के एरिया की, तो यहाँ पे आपको वाटर टैंक का प्रोविजन मिल जाता है, जिसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो लगभग 7000 लीटर के आसपास की कैपेसिटी आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। एंट्रेंस जो है आपको मिल जाती है, एक एंट्रेंस इधर की तरफ से जो कि बाहर की बाहर है, एक एंट्रेंस मिल जाती है आपको इधर की तरफ से जो कि मेन एंट्रेंस होने वाली है। स्टेयर्स की बात की जाए तो स्टेयर्स आपको जो है बाहर से ही आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ से अपन एंट्रेंस ले लेते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या यहाँ पे बना हुआ है। तो जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है आपको डाइनिंग ड्राइंग एरिया का स्पेस, जिसमें आप इजीली आपके डाइनिंग ड्राइंग एरिया सेटअप यहाँ पे आप कर पाएंगे। देखिए, इस वॉल पे आपको दिया गया है एक टेक्सचर डिज़ाइन जो कि काफ़ी प्यारा यहाँ पे लग रहा है। और ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी देखिए, काफ़ी प्यारे तरीके से फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 3 बेडरूम ये सेमी डुप्लेक्स होने वाला है। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हैंड वॉश के लिए प्रोविजन दिया गया है, साथ में लेट और बाथ दोनों को यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे किया गया है। इस तरफ आपको मिल जाता है लेट और इस तरफ आपको मिल जाता है बाथ। ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपको स्पेस यहाँ पे दिया गया है। फिर देखेंगे इस तरफ तो यहाँ पे आपको एक गेस्ट रूम बना के दिया गया है, जो कि काफ़ी प्यारे तरीके से इसको भी यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। आपके गेज जो है बाहर के बाहर यहाँ से एंट्री ले पाएंगे। सामने आपको मिल जाता है वेंटिलेशन में विंडो, अगर आप चाहें एसी ना लगा के या कूलर वगैरह इंस्टॉल करना चाहें तो इजीली आप यहाँ पे कर पाएंगे। इस वॉल पे मिल जाता है आपको वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन, जो कि काफ़ी प्यारे तरीके से यहाँ पे भी करके दिया गया है। और ऊपर मिल जाता है पीओपी का वर्क, जो कि काफ़ी प्रीमियम पीओपी का वर्क आपको यहाँ पे दिया गया है। इस तरफ कुछ डिज़ाइंस है जहाँ अगर आप चाहें तो छोटे मोटे कुछ डिज़ाइन चीज़ें यहाँ पे रख पाएंगे। और कवर्स की स्पेस की बात की जाए तो फुली कवर्स की स्पेस आपको मिल जाते हैं, जो कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ करके दिए गए। आपके कुछ भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह आप इजीली यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। अभी हमने देखा डाइनिंग ड्राइंग देखा, कॉमन वॉशरूम देखे हमने और एक गेस्ट रूम देखा। डायरेक्टली आ जाते हैं किचन की तरफ। किचन का स्पेस भी देखिए, कितना लंबा किचन का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। देखिए, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए और उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश कीजिए जो ऐसे ही एक सेमी डुप्लेक्स की तलाश कर रहे हैं। इस बजट के अंदर 30 लाख के बजट के अंदर ये विला आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ग्रेनाइट का यहाँ पे टॉप लगा के दिया गया है, साथ में टाइल्स का वर्क भी काफी हाइट तक है, जिसका फायदा ये हो जाता है कि खाना बनाते समय अगर छींटे वगैरह लगे तो इजीली आप उनको वॉश कर पाएंगे। सेमी जो मॉड्यूलर यहाँ पे किचन यहाँ पे बना के दिया गया है, रैक्स वगैरह पूरा कंप्लीट काम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सामने की तरफ वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो दिया गया है, ऊपर की तरफ भी वहाँ पे भी आपको स्पेस दिया गया है, जिससे कि वेंटिलेशन प्रॉपर आपका बना रहे। यहाँ मिल जाता है फ्रिज के लिए स्पेस, जिसमें बड़े से बड़ा फ्रिज आपका इजीली यहाँ पे आप इंस्टॉल कर पाएंगे। फिर देखते हैं जो बेडरूम है यहाँ पे, उस बेडरूम का लुक देख लेते हैं। ये मिल जाता है आपको बेडरूम नीचे की तरफ, जिसकी साइज काफ़ी प्यारी है, लगभग 10x12 के आसपास की साइज आपको बेडरूम के यहाँ पे मिल जाती है। इस वॉल पे पेंटिंग, जो वॉल पेंटिंग का काम है वो भी काफ़ी प्यारे तरीके से यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। ऊपर पीओपी का वर्क किया गया है सीलिंग पे, जो कि डिज़ाइनर फूल पत्ती से लुक के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो कि काफ़ी प्यारा यहाँ पे लग रहा है। इस तरफ देखते हैं तो कबर्ड्स का स्पेस है, जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ कबर्ड्स का स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी स्पेशियस कबर्ड्स आपको दी गई है। और यहाँ पे मिल जाता है एक बड़ा सा विंडो, जिसमें अगर चाहें आप कूलर वगैरह लगाना तो वो लगा सकते हैं। पीछे देखिए, बैक स्पेस भी काफ़ी प्यारा यहाँ पे दिया गया है, इसके लिए पूरा आकार यहाँ पे छोड़ के दिया गया, जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन और सनलाइट वगैरह जो है प्रॉपर आपको हमेशा ही यहाँ पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा एक बेडरूम देखा। देखिए, अगर चाहते हैं आप इसको खरीदना और चाहते हैं बुक करना, तो बिल्डर के जो नंबर है प्रतिनिधि के नंबर मैंने आपको दे दिए स्क्रीन पे और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके डायरेक्टली आप उनको कॉल कर सकते हो, अधिक जानकारी वहाँ से आप ले सकते हो और बुक भी कर पाएंगे। स्टेयर्स का लुक दिखाते हुए लेके आइए, हम चल रहे हैं बाहर की तरफ से। जैसे मैंने बताया, स्टेयर्स यहाँ पे दी गई है और सामने की तरफ एलिवेशन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए देखिए फिक्स ग्लास यहाँ पे लगा के दिए गए, जो कि काफ़ी प्यारे तरीके से यहाँ पे भी आपको ये दिखाई देने वाले हैं। स्टेयर्स में भी यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है, जिसमें अगर चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह जो बाहर ना छोड़ना चाहें तो इजीली आप यहाँ पे भी इनको रख पाएंगे। यहाँ मिल जाता है एक मजबूत सा आयरन का गेट आपको,
और ये मिल जाते हैं बड़ा सा छत आपको, जो कि इधर से मैं आपको आसपास की सराउंडिंग लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए आप कंप्लीट बसावट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ऊपर जाने के लिए बात करें स्टेज की, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए स्टेज भी आपको मिल जाती है। और ये एक दिया गया है यहाँ पे एक वॉशरूम, इसके टाइल्स का कॉम्बिनेशन वगैरह देखिए काफी प्यारे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। स्पेसियस वॉशरूम आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर एक बेडरूम दिया गया है यहाँ पे, जैसे नीचे गेस्ट रूम था ठीक वैसे यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाता है आपको उसी साइज में। टाइल्स वगैरह का वर्क देखिए काफी प्यारा यहाँ पे दिया गया है। और वॉल पेंटिंग जो दी गई है वो काफी अलग अलग डिजाइन में काफी प्यारी प्यारी तरीके से यहाँ पे वॉल पेंटिंग की डिजाइन आपको मिल रही है। कवर्स के स्पेस की बात की जाए, इसमें भी फुली कवर्स का स्पेस आपको मिल जाता है, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको कवर्स का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। और सामने मिल जाता है एक वेंटिलेशन के बड़ा सा प्रॉपर विंडो। बालकनी के स्पेस हम देख लेते हैं कैसा क्या बालकनी का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। देखिए इतना बड़ा बालकनी का स्पेस आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। इस तरफ देखिए आप कम्प्लीटली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कम्प्लीटली बसावट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने देखा लगभग 15x60 के अंदर यानी 100 वर्ग गज के अंदर ये आपको मिलने वाला है, जो कि सेमी डुप्लेक्स बना हुआ है। प्राइस की अगर बात की जाए जो मैंने शुरू में बता दिया है, मात्र और मात्र 30 लाख रुपए इसकी प्राइस दी गई है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ में उन लोगों को वीडियो शेयर कीजिए जिन लोगों को ऐसे एक विला की तलाश है। बाकी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, मैं बिल्डर के प्रतिनिधि नंबर पर आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाकर डायरेक्टली आप उनको कॉल कर पाएंगे, अधिक जानकारी वहाँ से आप ले चले पाएंगे। विला जो है ईस्ट फेसिंग है, मेन कालवाड़ से मात्र और मात्र 300 मीटर अंदर है। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।